वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण जो परिस्थितियाँ प्रदेश में, देश में और विश्व में निर्मित हो गई हैं, वह हम सभी के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। ये वह समय है जब हमें अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर मानव जाति को, संपूर्ण समाज से की इससे रक्षा करनी है। और इससे लड़ने के लिए जहां एक और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पूरे प्राणपण से इसमें जुटी हुई है, वहीं मध्य प्रदेश की सरकार ने भी इससे मुकाबला करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय पहले ही 15 महीने पुरानी कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश में जाने के बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन से मध्य प्रदेश में भाजपा ने शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार का गठन किया है। और जिन परिस्थितियों में सरकार का गठन हुआ उसके बाद में मुख्यमंत्री के रूप में बहुत बड़ी चुनौती शिवराज सिंह चौहान जी के सामने प्रस्तुत हो गई है। अकेले ही वो इस पूरी अपनी टीम का नेतृत्व अभी अधिकारियों के माध्यम से कर रहे हैं। कैबिनेट का गठन अभी नहीं हुआ है, लेकिन कैबिनेट की आवश्यकता महसूस की जा रही है, ये सभी जानते हैं, क्योंकि उनकी क्षमता, उनकी शक्ति, इस पर किसी को संदेह नहीं है। वो जिस मेहनत से काम करते हैं उस पर भी किसी को संदेह नहीं है, लेकिन एक टीम होना इस समय बहुत आवश्यक है, जो कि स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग, अन्य नगरीय प्रशासन विभाग, जितने भी महत्वपूर्ण विभाग हैं मध्य प्रदेश के, उन सब में बहुत बारीक नज़र रखने की आवश्यकता है। हालांकि वो पूरा प्रयास कर रहे हैं, खुद फील्ड में जाकर भी वो लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं, सफाई कर्मियों का, पुलिस कर्मियों का, चिकित्सा कर्मियों का, सबका उत्साह बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस समय बहुत आवश्यकता है, महसूस की जा रही है कि उनके साथ एक टीम भी हो। उस टीम का नेतृत्व करने के लिए उनके पास में जो परिस्थितियां अभी निर्मित हुई हैं उसमें 14 तारीख तक, जब तक के लॉकडाउन है तब तक तो कोई भी कैबिनेट विस्तार के लिए उन्होंने स्वयं ही मना कर दिया है। आने वाले समय में उसके बाद जो कैबिनेट गठन का जो एक प्रक्रिया है वो एक निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण रहेगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।